अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है चिकन नगेट्स की। तो जिसके लिए मैंने ये 2 किलो ऐसे चिकन ब्रेस्ट लिए हैं और ये मेरे पास हैं 10 स्लाइस हैं ब्रेड के, आम स्लाइस हैं, कोई बड़े छोटे नहीं हैं, जो आम ब्रेड होती है उसी के। तो इनके मैंने ये किनारे काट लिए हैं। इसके हमें ब्रेड क्रम्स भी ज़रूरत होंगे, तो ये जो इनके किनारे कटे हैं और कुछ स्लाइस थे तो मैंने ये इनके ब्रेड क्रम्स बना लिए। तो आप भी इनके जितने भी ये होते हैं किनारे, ये ज़ाया ना किया करें, ये ब्रेड क्रम्स के काम आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके पीस करेंगे। चॉपर में तो चले ये ब्रेड क्रम्स जिस तरह हो गए हैं, तो अब हम अपने ये 2 दफा करके इसमें चिकन छोटी मोटी करके शामिल करेंगे। तो मैं इसके भी पीस कर लेती हूँ। जरूरी नहीं है आपके पास चॉपर हो ही तो ही नगेट्स बनेंगे। आप इसके बाजार से भी कीमा लेके और उसे अच्छी तरह 2 दफा मशीन से लगवा लें। चिकन का कीमा होता है, कोई मसला नहीं, और थोड़ा सा आप उसे घर में किसी चीज से कूट लें तो वो बड़ा बारीक सा हो जाता है, जो नगेट्स में आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये देखें, ये चॉप हो गया। इसका आपने इस तरह अच्छी तरह इसे फाइन पीसना है ताकि आपके नगेट्स अच्छे बने। ये देखें, इस तरह आपने ये सारा चॉपर में अच्छी तरह पीस लेना है। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली हूँ, मैं ये सारा इसी तरह पीसती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये हमारा आखिरी भी चक्कर कंप्लीट होगा। तो ये इस तरह आपने तमाम इसका जो है कीमा, सारा कीमा इस तरह निकाल दें। तो ये सारा कीमा हमारा अच्छी तरह चॉप हो गया। अब हम इसमें अपने तमाम मसाले वगैरह डालते हैं। तो इसमें मैं जाती हूँ, एक ये टेबलस्पून है काली मिर्ची, और इसमें ये 1 टेबलस्पून ही है मेरे पास सफ़ेद मिर्ची। ये वाइट पेपर अगर आपको ना मिले तो आप दोनों ये ब्लैक पेपर के 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, पूरी भी डाल सकते हैं, इस तरह भी 2 चम्मच ही आप ये वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। मैं दोनों डाल रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून ही है मेरे पास नमक के, ये आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून सोया सॉस। आप अगर कम बनाएं तो आप क्वांटिटी के हिसाब से, कीमे के हिसाब से ये सारी चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून है पेपरिका पाउडर, यानी कश्मीरी लाल मिर्च। ये तेज़ नहीं होती, बस ये कलर के लिए है। इसमें सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी, बाज़ लोग इसमें अंडा भी शामिल करते हैं। ब्रेड का आपने ये हिसाब रखना है कि 1 पाव में 2 स्लाइस जाते हैं, तो उस हिसाब से आपने डाल लेना है। कम बनाएं ज़्यादा बनाएं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये सारी चीजें मिक्स कर दें। अच्छा जी, तो ये सारा मैंने मसाले मिक्स कर लिए हैं और इसे अच्छी तरह एक दफा गूंद भी लिया। ये तो ये इस तरह जहां भी आपको गूंदते हुए ये इनके टेंडर मिले तो ये आप निकाल दें और इसे आपने अच्छी तरह गूंद लेना है। ये देखें कैसे स्मूथ ये बने हैं। तो आप इनके नगेट्स बनाते हैं। तो ये देखें, ये सारा हमने कीमा अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो अब आपने इस तरह एक शीट लें और उसे थोड़ा
थोड़ा सा चिकना कर लें, ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करें। कर सकते हैं हाथ से उतना कर लें, बाकी पे आप इस तरह थोड़ी सी ऑयलिंग करें। और ऊपर ये बटर पेपर शीट मिलती है, ये आसानी से हर जगह से मिल जाती है, इसका कोई मसला नहीं है, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से ये मिल जाएगी। तो आपने ये ऊपर इस तरह लगा देनी है और आपने इसे बराबर इस तरह फैला लें। आप किसी बड़ी जगह पे भी ये कर सकते हैं, जितना आपके पास जगह हो ये बेटर हो, कीमे वाला उस हिसाब से आप ये करते हैं। ये बड़ी आसानी से ऊपर से उतर जाएगा। अब आपने से किनारे सेट कर लें, कोई बात नहीं, अगर ये आप उतार भी देंगे तो जब आप दोबारा बनाएंगे उसमें ये बन जाएंगे। तो ये मेरे पास कुछ कटर हैं, बच्चों वाले अमूमन घर में बच्चे ये शेप्स मुख्तलिफ बड़ी पसंद करते हैं, तो आप ये शेप इजीली अवेलेबल हैं। इनको थोड़ा सा इस तरह चिकना करें और आप मुख्तलिफ शेप में अपने नगर्स काटते जाएं। इस तरह हटाते जाएं, ये देखेंगे बड़ी इजीली इस तरह निकलते जाएंगे। थोड़ी सी इनको शेप दे लें। शेप में कटिंग कर ली है, कुछ मैं और करूंगी। ये मेरे पास शेप थी, तो आपके पास ये हैं तो ठीक, नहीं तो आपको मैं वैसे आम घर में कटिंग करने में बताती हूँ। अब इसमें ये वाला जो कीमा बनाऊंगा, जो आपने बटर पेपर पहले यूज किया था वो भी दोबारा कर सकते हैं। ये उतार दें,
तो आप इसकी अपनी मर्जी से जितने आपने पीस कम या ज़्यादा छोटे बड़े जैसे भी रखने हैं। अब ये देखें, चौरस शेप में भी ये थोड़ी सी लंबी है, इस शेप में भी आप बना सकते हैं। तो ये देखें, ये आपके एक बारी में हाथ से शेप देने में, जैसे आप इस तरह हाथ से शेप देते हैं, आपने उसको ऐसे करना है, फिर उसे चौरस करना है या गोल करना है, जैसे भी। तो ये आप बहुत इजीली आप एक बारी में इतने सारे बना सकते हैं। ये मैंने आपके सामने मुख्तलिफ शेप में इतने सारे बनाए हैं, तो आप जो भी आप जो मर्ज़ी बना सकते हैं। तो ये सारे नगेट्स तैयार हो गए हैं। ये तकरीबन 2 किलो कीमे में ये बने हैं मेरे 96। तो ये शेप पे भी डिपेंड कर सकता है, आपके कोई 2-4 पीस आगे पीछे बन सकते हैं, पर इतने आप बच्चों के लिए बना के रखें, लंच में दें, बड़ी इजी रहता है। तो आपने अब इनको अगर फ्रीज करना है तो आपको मैं बताती हूँ, आप इस हालत में इनको फ्रीज कर सकते हैं। आप इस तरह अंडे में डिप करें, और इस तरह एक हाथ को आप इस तरह साफ ही रखें, अंडे वाला ना हो, फिर ज्यादा ये अच्छी तरह आप इन पे ब्रेड क्रम्स कोट करके और ऐसे रखते जाएं, और आप किसी तरह इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। जी तो देखें, ये मैंने तमाम को अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब मैं ये कुछ फ्रीज कर दूंगी और कुछ अभी आपके सामने फ्राई करूंगी। ऑयल गरम हो गया, आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इनकी ज़्यादा आँच तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि चिकन कच्चा है तो उसे पकने तक थोड़ा सा टाइम लगेगा। तकरीबन आपने 2 मिनट एक साइड को देने हैं, बिल्कुल लाइट आप कम रखें चूल्हे की। तो 2 मिनट लगे एक साइड से और 2 एक साइड से, इसको निकाल के इनको टिश्यू पेपर पे रखते जाएं ताकि ये फालतू ऑयल सारा निकल जाए। ये पकने भी आपने इतने इतने रखने हैं, ये देखें ये थोड़े से बन के भी फूल जाते हैं, ये देखिए।
चिकन नगेट्स बन के आपके सामने तैयार हैं। आपने ये जरूर ट्राई करने हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये बड़े जूसी और बहुत मजे के बने हैं। तो आपने ये बनाने हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो थम्स अप दें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।